Hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। मेरा नाम है भावुक अरोरा और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल टपरी। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो प्लीज नहीं देखी है तो प्लीज जाके ऊपर कार्ड पे क्लिक करिए, आप उस नई वीडियो उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हमने डिस्कस किया था माउस के ऊपर, और अगर स्पेसिफिकली बोले तो मैकेनिकल माउस के ऊपर। तो अब मैकेनिकल माउस के ऊपर हमने जब डिस्कस कर लिया है, तो अब बारी आती है कि जब भाई इन्वेंशन हो गया है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो एक नया तो कुछ आना चाहिए ना। तब आया था ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस में बेसिकली हुआ क्या था, उसके अंदर भी यूज होता था हमारे किसका, एलईडी का। तो होता कैसे है, ऑप्टिकल माउस, उसके अंदर कोई मेटालिक बॉल नहीं होती, उसके अंदर कोई भी रबराइज बॉल नहीं होती, तो चोरी नहीं कर सकते कुछ यार। तो हंसी नहीं आई, तो बाहर जाके एक बार वीडियो देख लो यार, समझ जाओगे। तो बेसिकली होता क्या है, एक जो एलईडी होती है वो परपेंडिकुलरली फिट की जाती है एक मिरर के अपोजिट। तो क्या होगा, जब एक एलईडी किसी मिरर पे लाइट जो है फेंकेगी, तो वो जो लाइट है वो मिरर हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो जो लाइट है वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके नीचे एक और मिरर होता है, जो कि ऐसे इस पोजीशन के अंदर लगा हुआ होता है। तो उस पोजीशन के, तो वो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, और जब लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट जो है वो सीधा सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपने अगर नोटिस किया हो, तो अब जो ऑप्टिकल माउस होता है उसके नीचे एक होल होता है। तो बेसिकली उसका काम क्या होता है, वो होल जो होता है वो लाइट को पास होने देता है, जिससे कि क्या है, जो सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर लाइट ड्रॉप करे। तो लाइट ड्रॉप करी तो ऊपर उसके एकदम परपेंडिकुलर, अगर आप इस जैसे फोटो में देख पा रहे हैं, तो उस परपेंडिकुलरली उसके ऊपर एक सीमोस डिटेक्टर लगा हुआ होता है, CMOS, सीमोस डिटेक्टर, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड कंडक्टर। मैंने सामने लिख रखा है क्योंकि मुझे याद नहीं रहती है फुल फॉर्म्स। तो इसको अगर सीमोस नहीं बोलना है, तो अपन एक इमेज सेंसर भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है, जब भी ये जो ऊपर सेंसर होता है, इस सेंसर का काम क्या होता है कि भाई तू फोटो लेता है, जिससे क्या होगा, अब मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो वो सीमोस सेंसर करता क्या है, वो 1000 से 1500 फोटोज लेता है पर सेकेंड, वो इतना क्विक होता है। तो होता क्या है, जब भी वो कोई भी सरफेस की पिक्चर लेता है, तो वो सारी पिक्चर्स को लेके आगे एक लगा हुआ होता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है वायर्स के थ्रू चिप कैमरा। तो वो चिप कैमरा का क्या काम होता है भैया, अब चिप कैमरा का काम क्या होता है, उसका नाम कैमरा है, बट वो कोई फोटो नहीं ले रहा है। वो कर क्या रहा है, जो भी सीमोस डिटेक्टर या इमेज सेंसर जो भी फोटोज ले रहा है ना, वो फोटोज उसके पास जाती हैं, और वो क्या बोलता है, हाँ लाओ भाई, अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं इन फोटोज के अंदर। तो जब भी आप माउस रख के मूव करोगे, तो एक शेडो होती है साइड में, जो कि स्क्वायरिश फॉर्म में होती है। तो वो शेडोज किसी किसी फॉर्म में डिक्रीज होती जाती है। तो जहां वो शेडो डिक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब है उसके अपोजिट साइड माउस क्या है, मूव कर रहा है। तो ये जो चीज होती है, ये क्या काम होता है, चिप कैमरा का काम होता है कि भाई उस शेडो को पता लगाना है कि कहाँ शेडो कैसे डिक्रीज हो रही है, तो उसके अपोजिट साइड माउस को मूव कर रहा है भाई साहब ये बंदा। तो सिंपल काम है, समझ आ गया होगा आपको। एलईडी आई, एलईडी रिफ्लेक्ट हुई, शेड नीचे पड़ी, जो कि सरफेस होती है, सरफेस से गया सीमोस कैमरा, सीमोस कैमरा ने 1000 फोटोज 1500 फोटोज ली और भेज दी भाई चिप कैमरा को कि अब तू प्रोसेस करता रहे, मेरा तो काम हो गया है। बट ये कंटिन्यूसली चलता रहता है प्रोसेस, तभी आप माउस जब मूव करते रहते हैं तो वो भी मूव होता रहता है। वेयर एज अगर आप माउस को सिर्फ ऊपर ऐसे बिना किसी सरफेस के चलाएंगे, तो वो माउस वर्क नहीं करेगा। उसका यही रीजन है, क्योंकि अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं होगा नीचे, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिससे कि लाइट ट्रांसफर नहीं हो रही है, तब तक उसकी शेडो जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी हमारे सीमोस कैमरा तक, और सीमोस कैमरा तक रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो भाई माउस चल नहीं रहा है ना यार। तो ये ऐसे होता है पूरा जो प्रोसेस। तो उस हिसाब से जो सीमोस, जो चिप कैमरा होता है, वो हिसाब लगाता है कि भाई कौन सा साइड माउस मूव कर रहा है। और यही सारा जब प्रोसेस हो जाता है, इससे माउस को ये भी, सीमोस कैमरा इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको ये भी पता होता है कि कितने पिक्सल से वो माउस मूव करा जा रहा है। तो वो उसको पिक्सल्स में जो होता है डिवाइड करता है, और वो सेंड कर देता है भाई मदरबोर्ड के पास कि भाई लास्ट वीडियो में याद है ना, माउस सेंसर होता है एक, जो कि मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है, तो वो उसके पास भेज देता है कि भाई अब तुम प्रोसेस करो सिग्नल्स को, हमारा काम तो हो गया है। तो मदरबोर्ड माउस सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, और आप मॉनिटर पर देख सकते हैं, हिल रहा है ना यार कर्सर अब। तो बस यही था इतना सा प्रोसेस ऑप्टिकल माउस के अंदर, सेम दोनों एलईडी से वर्क करते हैं। अब जो एक और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके अंदर ऑप्टिकल जो एलईडी होती है वो भी यूज नहीं होती, अगर आपने नोटिस किया हो तो।
उसका भी हम कभी फिर कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन दबाए बिना मत जाना यार। चलो मिलते हैं फिर कभी ऐसी वीडियो में। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।